Khassab, Khassab! Khassab! Khassab alayya! Khassab alayya! Eid Mubarak, Eid Mubarak! Kata lete! Aray, kata lo ji, dheer wadhi ne dho! Khassab alayya! Khassab! Aray, Mia! भाई ये साल मार्केट में जानवर कम आया सरकार दिख रहा। हाँ भाई गिरा की नहीं है। तेरे को याद है गए सौ साल ये टाइम तक 4 से 5 जानवर लुड़का दिए थे अपन। अरे हाँ भाई, और याद है आपको गए साल जमील भाई का भाई तुम्हारे छाते पे दोनों पैरों से फक बोल के मारते कि तुम तप बोल के जो नाले में जाके गिरे थे, गलीस बदबू आ रही थी। लौंडे लौंडपना कर रहा मेरे साथ भाई, मैं बैला रहा कस्टमर आ रहा। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तुम ही छे नूर भाई बकर खसाब? कौन यार इस आवाज को? वो तो आ रही, खैर क्या ले रहेगी। दूसरों से जो दिल बोला वो ले रहा हूँ, लेकिन आपसे आप जो दिए वो ले ले। पैसा ने यार, वो एक बकरा काटने कितने पैसे ले रहे? बड़े कानों का अबलख रहा तो 6.5 ले रहा हूँ, छोटे कानों का रहा तो 4.5 ले रहा हूँ। दुम्बे के क्या ले रहे? दुम्बे के 3,500 रुपए ले रहा हूँ। फिर मेंढे के क्या ले रहेगी? मेंढे के अगर उसको कांटे लगे हुए रहे तो 3,200 रुपए ले रहा हूँ, अगर साफ सुथरा आ रहा तो 2,800 रुपए ले रहा हूँ। अच्छा, बैल के क्या ले रहे? बैल के हाँ, बैल के कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, बैल को जुबा करने के पैसे ले रहा हूँ। वही यार, बैल को जुबा करने के कितने पैसे ले रहे? 50 to 100 12,000 रुपए ले रहा हूँ। 100 to 200 18,000 रुपए ले रहा हूँ। ये 50 to 100 100 to 200 क्या है साथ? केजी, किलोग्राम। 50 से 100 किलो का जानवर रहा तो 12,000 रुपए ले रहा हूँ, 100 से 200 किलो का जानवर रहा तो 18,000 रुपए ले रहा हूँ। ऐसा? अब आप अपने पुराने कस्टमर है, आपसे 25 ले लेंगे। भाई इन्हो तुम्हारे पुराने कस्टमर है? कहा के पुराने रे, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ उसको। कस्टमर को गिराक को क्या है, पुराने है हमारे है, वो तो क्या है, कस्टमर को एक अपनापन दिखता। और गिराक खुद मखमतीस के सर का खींचा चला था। ठहर रहे। हाँ साहब बोलिए साहब, आपके पास कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर जिबा करना है? कौन सा भी जानवर काटना नहीं है अपने पास, इंशाल्लाह अगले साल देंगे अपन कुर्बानी। अब गाय बोल तो जरा खाली रेटा मालूम कर ले रहा हूँ था। भाईजान इज्जत से चले जाइए आप, आज अगर ईद का दिन नहीं रहता तो 70 की मुट्ठी से मार मार के आपकी पीठ लाल कर देता था। चले जाइए आप। क्या हुआ रो, क्या बोल रहे? रे गुंडा निकाल, आज उसको यही सिबा कर देता हूँ और इसका गोश्त चील कबों को पीस अभी लीला उनके खिला देता हूँ। भाई जान दो मैं नकोड़ो, चलो दूसरा गिरा के देखो। चलो चिंतल बस्ती की टर्निंग पे खड़ेंगे अपन अब। चलो भाई चल। तो ऐसा करे बोलिए आप। अरे क्या हुआ भाई, क्या करा? क्या करा, सुबह में मेरे पास आया, भाईजान मैं बकरा काटने सीख गया, मैं जाके बकरा सिबा करता हूँ, आपका हाथ बटाता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ, कहीं भी है तो बोलो भाईजान, मैं जाके बकरा काट के आता हूँ, बोल के बोला। मैं जान दो बोल के खालिद भाई का बकरा काटने भेजा उसको। सही है भाई, लेकिन करा क्या? क्या करा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के बकरे की दुम काट दिया। तो फिर हुआ क्या भाई? हुआ क्या, कुर्बानी खराब हो गई रे उनकी, पूरे पैसे जेब से डाल के देना पड़ा मेरे को। तुम और पैसे वापिस देना। अरे दोस्त यार, तुम वही बकरे की तुमको फेक से चिपका देके दे देंगे ले में आवल के। डाउन के बाद सिर्फ मुंडी पाए भुनने पे रहेगा जी। चिकन चिकन घर मारू। चुलेखा भी घर के 56 कामा छोड़ के कहाँ जाके बैठी की क्या नहीं? चुलेखा भी
सुलेखा भी क्या तो भी उजरा जी कई को पुकारा कर रहे हैं, आजू बाजू वाले क्या तो भी समझेंगे। आजू बाजू वाले 8 साल पहले समझ गए जो है एक मजलूम मर्द एक जालिम औरत के शिकंजे में फंस गया बोल के। ओफो मजलूम वो भी तुम। आप फिर देख रहे नहीं कैसी शराफत टपकती रहती मेरे चेहरे से। शराफत वो भी तुम्हारे चेहरे से। तुम्हारे चेहरे से शराफत नहीं शर और अफट टपक रही। अब ये तंजिया बात करना छोड़ो तुम। का तो भी थे क्या कर रहे थे जब से तुम। क्या तो भी कर रहे थे क्या करेंगे। दो छोड़ के 3-3 बच्चे हैं उन लोगों को संभाल रहे थे। 3-3 बच्चे। दो बच्चे तो मेरे हैं, ये तीसरा किसका है। तुम्हारे अम्मा बाबा का है। क्या बोले। तुम जी तुम क्या छोटे बच्चे से कम है। बैठे जगह सौ होना बोलते तुम। खाना गरम करो पानी गरम करो चाय बनाओ कपड़े इस्त्री करो बच्चों को संभालो सब करना पड़ता। और क्या क्या करके उजर न की। इसको हूँ बोले तो हाँ बोल के अंग पे आ रही नहीं मेरे। पहले वहाँ उन्हें दुम काट के परेशान कर दिया बोले तो इन्हें अलग कौन कौन करके बोरान कर। अब इससे बहस करा तो मेरा पूरा गिरा खराब हुआ था। पहले गिरा का खड़े हुए वहां। मेरी अम्मा बंदा खता का मुंतजिर है माफी का तलबगार है। क्या तो भी बोल रही थी। माफी चाह रहा हूँ जी तुम्हारे से। सॉरी बोल रहा हूँ गलती हो गई मेरी जो तुम्हारे मुंह को लग गया। ठीक है माफ कर दी तुम्हारे को। हाँ बोलते अब कई को तो भी बुला रहे थे। माँ छोटे थैली में अपलक बकरे के गुर्दे कलेजिया है निकाल के फ्रीजर में रखो और वो बड़े थैली में पोटले की बोटी है उसको अच्छा साबुन लगा के ब्रश से रगड़ के ढो जर्री बदबू नहीं आना मेरे को ढोए पास। छी मैंने करती हूँ मेरे को नहीं आता। नहीं आता फिर क्या आता। खाली ऐसा बैठ के खाने आता और ये लंबी जबान चट 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 चलाने आता। क्या बोले। फिर इसको कुछ भी बोले तो और आधा घंटा खींचती ने बहसों में। पहले वहां गिरा का खड़े हुए मेरी बहन मेरी अम्मा मेरी बीवी माफी चाहता हूँ भाई गलती हो गई मैं ढोले तो टेंशन न लियो। अच्छा सुनो क्या हुआ। भाई का क्या हुआ। हमारे अब्बा किराए का घर देखो बोले सो। कब तक वो किराए के घरों में रहते करते जी। दिन पे दिन देखे देखे तक महीना आ जा रहा। दिन पे दिन किराया बढ़ते जा रहे और मकानदारों के नाटक का नखरे अलग रहते। वो कीला कहीं को मारे वो पलंग कहीं को लगाए वो दरवाजा कहीं को खुला रखे वो खिड़की कहीं को बंद रखे। ये महीने से 500 रुपए बढ़ा दे रहा हूँ। करें लिट्टा कहीं को जल रहा नल लिट्टा कहीं को यूज कर रहे एक गाड़ी से ज्यादा नहीं लगाना। कब तक ये घर चेंज कर लेते फिरते करते। फिर क्या करना जी। अब यहाँ से अपना जाति मुकाम बनेंगे। वो कैसा। टेंशन कहीं को ले रहे पूरी इन्फॉर्मेशन ला लियो। तुम्हारे बाबू को जाके बोल दो अंबरपेट पे आइडियल होम डेवलपर एंड बिल्डर्स वाले बेहतरीन प्रोजेक्ट कर रहे 2 रूम एक खाल हम्मा बाथरूम मिला के 1050 स्क्वायर फीट में बेहतरीन फ्लैट दे रहे वो भी किफायती दामों में। नहीं जी उतने पैसे नहीं है अब्बा के पास। थोड़ी थोड़ी करके दे सकते है क्या। फिकर क्यों कर रहे इंस्टॉलमेंट की सहूलत भी है उन लोगों के पास। हाँ सही बोल रहे मगर कुछ बाद में प्रॉब्लम हुई तो। अरे वो दीवानी औरत तरकारी की मंडी पे से 2 रुपए का कोथमीर का कट्टा लिए तो ऊपर से नीचे से पलटा के छाक के करके देख के लेते। यहाँ पे पूरे डिटेल्स है उन लोगों के जाके मालूम कर लेना समझ में आते कि बिस्मिल्लाह कर लेना। और वैसे भी ऐसे वैसे लोग आने होते हो अल्हम्दुलिल्लाह सीताफल मंडी पे 2 पाशअप टैंक पे 1 फ्लैटा बना के बेच दिए सो लोग और कई प्रोजेक्ट लाइन में है उन लोगों के। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं तुम्हारे बाबा को ये नंबर पे कॉन्टेक्ट करके फौरन बुकिंग करा लो बोलो। बुकिंग आप फुल हो गए तो फिर बाद में नहीं बोलना। अल्लाह मैं अभी अम्मी के घर को जाके अब्बा को बोल के आती हूँ। ठीक है जब तक मैं भी शर्मू भाई का बकरा काट के आता हूँ और आज तक वो बोटी धुल जाना। क्या बोल रहा हूँ। क्या कर रहे सत्तूर टेस्ट कर रहा हूँ मैं।
उल्टा सत्तूर से सत्तूर तेज न होता, उल्टा मुंड होया था। मेरे कुछ नहीं कहेंगे आप, तू लौंडे काम कर, खाली छिछड़े छिल रहा, बोटिया मार मार रहा मार रहा। अरे क्या ऐसी मार रहे थे, नाक की हड्डी टूट जाती थी ना मेरी। तेरी नाक की हड्डी को लग के वहां बकरे की हड्डी फूट गई, नाक की हड्डी कट चला खसाब को। अरे यहाँ नीचे ठहरे हुए थे, नूर भाई खसाब बोलते हैं इनको, तो आखिरी माने हुए है, बड़े बड़े जानवर पलटा दिए। अच्छा भाई एक बात पूछता हूँ, अगर बुरा नहीं मानते बोले, अगर बात बुरा मानने वाली रही ना, समझ रहा? हाँ वही समझ गया। क्या है पूछ? भाई अपन साल भर पान के डब्बे पे रहते और ये अचानक बकरीद आते की अपन ये तीन दिन खसाब के बन जाते भाई। ये जो बकरीद के ईद के तीन दिन रहते ना, ये अपने लिए गोल्डन डेज रहते। कहीं को बोले तो ये दिनों में अपने लोग दिल खोल के खर्चा करते, खसाब जितने बोला उतने पैसे तो देते। और कई ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो एक 500,000 रुपए बढ़ के भी देते और साथ ही साथ काले कवर में गोश्त का हिस्सा भी अलग डाल के देते, समझ रहा? अच्छा तो इसके बाद से तुम हर साल बकरीद के बाद मल्लापल्ली पे तले हुए सिद्धदान लगाते। मार के नाक अंदर कर देते साले। अम्मा अम्मा कर हम उस काम कर रहा हूँ भाई। ये बट रखना है अपने को या घर को लेके चलेंगे? बगर पूछे एक बोटी भी यहाँ की वाने हम क्या बोल रहा हूँ भाई, चमड़ा डाल लेंगे थैले में। 2 रुपए आते चमड़े के, वो 2 रुपए का शीर्षक निकालता का। रख उधर भाई, पाए डाल लूँ क्या? एक रख उधर भाई, तिल गुर्दे कलेजे हल्लू निकाल लो क्या साइड में? चप्पल लेके मारता हूँ साले, रख। अच्छा भाई ये गोबर के बोटले को स्पेनिश में क्या बोलते होंगे? स्पेनिश में क्या है समझ में नहीं आ रहा। तेरे को स्पैनिश लैंग्वेज आती नहीं? स्पैनिश लैंग्वेज में गोबर के पोटे को मारू वही बोलते अभी जो बोला समय। साहब ये राणा रखना है कार्ड देना है? नहीं 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 वो वैसी रखो साहब ही। तू ओके साहब, वो कहीं को रखा रहा वो भी कटा देना था। वैसा नहीं है खान साहब, क्या है बोले तो एक रान बड़े बोने के पास भी जाना है और एक रान जो है ना हमारे छोटे बोने के पास भी जाना है, और दो सॉलिड राना जो है ना हमारे ससुराल को भी जाना है, छाती का साबित गोश्त चिच्चा के घर पे भी जाना है, और रीढ़ की हड्डी का रेडियना को भी जाना है। और पड़ोसियों को सब? अरे वो है ना छिछड़े कलेजी हड्डियां डाल के दे देंगे, उसमें क्या है, शर्म है साहब आपको। क्या बोल रहे यार? जानवर की कुर्बानी जो है अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, और कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से करना चाहिए, एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदार खानदान वालों के लिए, और तीसरा हिस्सा गरीब गुरबा जरूरतमंद मिस्किनों के लिए। लेकिन आप तो पूरा गोश इधर कर ले रहे, हड्डियां छिछड़े उधर ढकल दे रहे आप। कुर्बानी का सही मतलब समझो, अपने आस पड़ोस रिश्तेदार खानदान वाले गरीब मिस्किनों तक उनका हक पहुँचाइए। और आप लोगों से भी एक अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, अपने खानदान वालों का रिश्तेदारों का आज पड़ोस गरीब गुरबा लोगों का ख्याल करिए, उनका हक उन तक पहुंचाइए, ताकि उन लोगों की भी ईद जो है अच्छे से हो जाए सॉलिड। और एक बात, जरा साफ सफाई का खास ख्याल रखिए, जो भी वेस्टेज कचरा निकल रहा उसको ले जाके बड़े कवर में डाल के कचरे की कुंडी के अंदर डालिए। एंड वन मोर थिंग, प्लीज मेक श्योर टू यूज डस्टबिन एंड मेक इंडिया क्लीन एंड ग्रीन। वाह क्या इंग्लिश बोले भाई, बकरे की टांग को इंग्लिश में क्या बोलते? बोल लेग पीस, गोट लेग।